बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये न्यूज़ पढ़ रहा था, ये देख लेंगे आप। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, शाह सलमान की तरफ से ये ऐलान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ऐलान है। इसमें कौन कौन से भाई आएंगे ये भी क्लियर कर दूंगा आपके साथ में। मेरे जैसे, जैसा कि मैं हूँ, जैसा कि आप भाई हैं, जो हम सिंपल अल्फाज में बोल रहे हैं, चाहे किसी की शादी भी हुई है ना, तो सऊदी अरब जब चला जाता है तो वो छड़ों वाला हिसाब हो जाता है, यानी कि गैर शादीशुदा वाला ही हिसाब हो जाता है, आपको पता। तो हमें भी क्या शाही फरमान के मुताबिक ईद वगैरह इस बार को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ट्वीट भी दिखा देता हूँ और इसके मतलब के ये बात भी कर लेते हैं। आपको पता है जी कि ईद के ऊपर क्या रमज़ान में भाई बहुत से लवाजमात मिल जाते हैं हमें सऊदियों की तरफ से। यार जाहरी सी बात है, वो हमें ही देंगे और किसको देंगे, वहाँ पर जो मांगने वाले हैं उनकी तो पकड़ वगैरह भी इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो सऊदी अपनी खुशी से दे जाते हैं, जिसमें चावल वगैरह और कुछ। मैंने यार लॉकडाउन वाले सीज़न में मैंने ऐसा भी देखा था कि सऊदी आया था, गाड़ी भर के लेके आया था, घर के तमाम भाई उसके ने जो न्यू थे, कंबर, रजाई, इसमें कुशन आते थे, सराहने वगैरह सब, ये तमाम तर न्यू थे बिल्कुल। तो वो दे रहा था कि आप ले लो, अपने इस्तेमाल में रख लो। बंदों ने लिए, उनको धोकर इस्तेमाल भी किया। तो बात ये क्यों कर रहा था कि ईद के ऊपर भी बहुत से भाइयों को भाई ईदी मिलती है अपने कफीलों की तरफ से। खासकर मैं जिसके अंदर था, वो हमें 200 रियाल ईद वो भी भेजता था। तो बहरहाल आदमी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इससे ज़्यादा भी मैंने देखा, ये 500 रियाल भी मिलते हैं। अभी शाही फरमान के मुताबिक ये कह दिया गया है जी कि 1000 रियाल लल आयल, और साथ में देख रहे हो वह 500 रियाल लल तबा। इसमें आप 1000 रियाल उन तमाम फैमिलीज को मिलेंगे जो इस चीज़ के मुस्तहिक होंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे। अप्लाई यार कौन सी करनी है आपने, आपको अगर आप इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, आपका अकाउंट है, तो आपकी फैमिली अगर है तो आपको 1000 रियाल मिल जाएंगे। अगर दूसरी बार एक और चीज़ क्लियर करूँ, इस चीज़ के आप मुस्तहिक हैं और फैमिली नहीं है आपकी, या आप 2-4 पर्सन रहते हैं या अकेले भी रहते हैं, या फैमिली में ही आप क्यों नहीं रहते हैं, तो पर पर्सन के हिसाब से 500 रियाल वो भी दिया जाएगा। हाँ, इसमें जो जैसा कि छड़ों वाला मैंने आपके बात शेयर की है पहले, उनको नहीं मिलेगा। जैसा कि दिहाड़ी वाले बंदे या कंपनीज में जो काम वगैरह करते हैं, उनको ईद नहीं मिलेगी। उनको भाई उनकी कफील की तरफ से ही जो ईदी वगैरह आती है वो ही मिल जाएगी। लेकिन अगर जो फैमिलीज के साथ हैं और या फैमिलीज पर्सन वगैरह में रहते हैं, या 2 पर्सन 3 पर्सन भी रहते हैं फैमिली के हिसाब से, उनको भी 500 रियाल पर पर्सन के, पर बंदे के हिसाब से मिल जाएगा।